Hey guys, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona, and today I am going to discuss the Paradise Lost. So as I promised you guys that I will discuss the Paradise Lost and specifically the character analysis of the Saturn. So here I am back with my new lecture, and I will discuss the Paradise Lost and the character analysis of the Saturn. But before starting my lecture, I want to tell you guys that if you are new to my channel, please do subscribe and hit the bell icon so you will get notified when the video uploaded. Chaliye, without wasting your time, let's start our today's lecture. So as you can see here on the screen guys, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिए हैं, हमारी स्टार्टिंग लाइन्स ली है, ओपनिंग लाइन्स ली है। तो किसी भी वर्क को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसकी ओपनिंग लाइन्स को हम लोग यहाँ पर जरूर याद रखेंगे। सो ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री हूज मोर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल आवर वॉक। तो यहाँ पर जैसे कि आपको ओपनिंग लाइन से समझ में आ गया होगा कि किसी टाइप के डिसोबीडियंस की बात की जा रही है, फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री की बात की जा रही है, फ्रूट ऑफ नॉलेज की बात की जा रही है, एंड द टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड ऑल आवर वॉक। तो ये हमारी स्टार्टिंग लाइन्स है। अब यहाँ पे किस टाइप के डिसऑबिडियंस की बात की जा रही है और कौन से फ्रूट की बात की जा रही है, ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखें गाइस, तो यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट को जो है हमारा क्या किया गया था, सबसे पहले रिटन है ये, रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1666 इन द 12 पार्ट्स, 12 बुक्स हम बोल सकते हैं यहाँ पर, और सेकंड पार्ट जो है इसका 1671 में आया था। एंड यहाँ पर अगर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं गाइस, तो इसको कई बार एपिक हीरो और एपिक एक्शन भी जो है इसको कंसीडर किया गया इस वर्क को, इसको क्योंकि ये एपिक थीम को फॉलो करता है, एपिक हीरो जो है इसको फॉलो करता है और एपिक एक्शन को ये फॉलो करता है। अब यहाँ पर बात हो गई गाइस के ये किस टाइप से एपिक हीरो या एपिक एक्शन या एपिक थीम को जो है फॉलो कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं एपिक हीरो की, तो इसमें सैटर्न जो है उनको एपिक हीरो जो है कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पर ये एक सोचने वाली बात है कि सैटर्न को एपिक हीरो कंसीडर क्यों किया गया है। एंड दूसरी बात यहाँ पर है एपिक एक्शन। तो एपिक एक्शन की जैसे हम बात करते हैं कि एपिक एक्शन क्या हो गया, जैसे हमारे में क्या होता है रामायण महाभारत जो है वो एपिक लिटरेचर है, बिकॉज उनमें क्या होती है राक्षसों के बीच में जैसे लड़ाइयाँ होती है राक्षसों की, अब हमारे क्या होती है सुर असुर के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है उस टाइप से यहाँ पर भी फाइट दिखाई गई है आपके डेविल्स के बीच में और गॉड के बीच में। अब यहाँ पर ये फाइट दिखाई गई है इसीलिए इसको क्या किया जाता है, बहुत बड़े लेवल पे फाइट दिखाई गई है, इसलिए इसको हम यहाँ पर एपिक एक्शन या कंसीडर कर सकते हैं और इस वर्क को हम ले सकते हैं कि ये एक एपिक वर्क जो है कंसीडर किया जा सकता है। दूसरा हम इसके बारे में बात करते हैं गाइस, तो सैटर्न के बारे में कई बार बहुत ज्यादा बात की जाती है कि सैटर्न जो है इतना फेमस कैरेक्टर क्यों है इसका, बिकॉज सैटर्न को कई क्रिटिक्स जो है वो हीरो भी कंसीडर करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सैटर्न को हम हीरो कंसीडर कर सकते हैं इस वर्क का। तो ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत सारी ऐसी हीरोइक क्वालिटीज है सैटर्न में जो इनको हीरो बनाती है, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले इनकी फिजिकल अपियरेंस की। तो फिजिकल अपियरेंस के बारे में जब हम बात करते हैं गाइस, तो सैटर्न को बहुत ज्यादा फिजिकली ब्यूटीफुल दिखाया गया है, बहुत खूबसूरत दिखाया गया है, जैसे कि हमारे बॉलीवुड की मूवीज में होता है कि एक हीरो जो होता है वो बहुत अच्छा है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, उसको फिजिकली बहुत फिट दिखाया जाता है, उसी तरीके से सैटर्न को भी जो है बहुत खूबसूरत दिखाया गया है और फिजिकली फिट दिखाया गया है। तो एक उनका हीरो कैरेक्टर ये हो गया। दूसरा कैरेक्टर ये हो गया कि सैटर्न को जो है एक हम्बल कैरेक्टर दिखाया गया है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर सैटर्न के बारे में, तो सैटर्न की गॉड से जो फाइट हो रही थी वो एक सेल्फलेस मोटिव था, जो कि हम बात करते हैं कि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, इनफैक्ट वो किसके लिए लड़ रहे थे, अपने साथ के लिए जो अदर उनके डेविल्स थे उनके लिए लड़ रहे थे, बिकॉज ये डेविल बने हैं कब, जब इनको पैराडाइज से बाहर निकाला गया है, बट उसके पहले जो थे ये भी एंजल भी थे, सैटर्न हमारे एंजल थे, पैराडाइज लॉस्ट में ही रहते थे, सॉरी उस पैराडाइज में ये रहते थे। एंड यहाँ पर क्या हो रहा था, जब ये इन्होंने बात की कि इनके साथ के जो एंजल्स थे वो बात कर रहे थे कि कुछ एंजल्स के साथ में जो है इक्वल बिहेवियर नहीं हो रहा है, गॉड जो है मतलब गॉड के इस पैराडाइज में इक्वल बिहेवियर सबके साथ में इक्वल बिहेवियर नहीं हो रहा है, इक्वलिटी यहाँ पर नहीं है। तब यहाँ पर साइटन डिसाइड करते हैं कि उनको अपने राइट्स के लिए जो होगा लड़ना होगा, अपने साथ वाले जो एंजल्स है फेलो एंजल्स जो है उनके राइट्स के लिए उनको लड़ना होगा, और इसीलिए जो है सैटर्न यहाँ पर फाइट जो है अनाउंस करते हैं और गॉड और डेविल्स के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स डेविल्स जो है सैटर्न जो है हार जाते हैं और उनको पैराडाइज से बाहर निकाल दिया जाता है। बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सैटर्न जो है लड़ रहे हैं गॉड से,
किसके लिए? सेल्फलेस मोटिव के लिए लड़ रहा है, दूसरों के लिए लड़ रहा है। तो यहाँ पर ये दूसरी हेरोइक क्वालिटी हो गई सचिन की, कि सचिन को हम लोग यहाँ पर हीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो ये दूसरी क्वालिटी हो गई। तीसरी क्वालिटी हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि सचिन जो है वो उनको बहुत ज्यादा क्लेवर दिखाया गया है, बहुत शूटनेसली वो क्या करते हैं आपके ईव को ल्योर कर देते हैं फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने के लिए। बिकॉज सचिन का मेन मोटिव क्या था, उनके पैराडाइज लॉस्ट जो गार्डन ऑफ एडन था उसको क्या करना था, उन्हें करप्ट करना था कि किसी तरीके से करप्ट हो जाए। और एडम और ईव जो है क्रिएशन थे गॉड की, फर्स्ट ह्यूमन क्रिएशन थे गॉड की, जिनको करप्ट करने का मोटिव जो है सैटर्न जो है लेकर चल रहा था। और इसीलिए उसने क्या किया, ईव को अपना शिकार बनाया था और ईव को फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने के लिए उन्होंने क्या किया था, ल्योर कर दिया था। और किस फॉर्म में हो गए थे, तो एज अ सर्पेंट फॉर्म में वो यहाँ पर गए थे और ईव को उन्होंने ल्योर किया था अपना फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने के लिए। सो यहाँ पर ये एक पूरी स्टोरी है, बट यहाँ पर बात कर रहे हैं सैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सैटर्न का जो कि उनको हीरो बनाता है। आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गई सैटर्न की बात। अगर हम इसके बारे में और भी आगे बात करते हैं एडम और ईव के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जैसा कि एडम और ईव को दिखाया गया है कि ये लीड कैरेक्टर है हमारे नोवेल की, इनका पूरी स्टोरी जो है बेस्ड है। बट यहाँ पर दूसरी बात हम करते हैं कि एडम और ईव जो है लीड कैरेक्टर होने के साथ साथ में सैटर्न को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी गई है और उसमें बहुत सारी हेरोइक क्वालिटीज दिखाई गई है। एंड दूसरे यहाँ पर एक क्वेश्चन और करके आता है, क्या एडम और यहाँ पर इस वर्क को पैराडाइज लॉस्ट जो वर्क है इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं एपिक लिटरेचर? तो ऑफकोर्स हम इसको एपिक लिटरेचर कंसीडर कर सकते हैं, बाय इट्स सराउंडिंग हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, बाय इट्स डायलॉग हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एपिक लिटरेचर। एंड यहाँ पर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पर एक फाइट हो रही है जो कि एपिक वर्क्स में होता है। एपिक वर्क्स में बहुत बड़े लेवल पर चीजें दिखाई जाती हैं, तो इसलिए इसको हम एक एपिक लिटरेचर भी कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि क्या यहाँ पर वुमन एम्पावरमेंट दिखाया गया है किसी तरीके से? तो एक पॉइंट पर ऑफकोर्स हम लोग बोल सकते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट दिखाया गया है बिकॉज एडम और ईव जो है फर्स्ट ह्यूमन क्रिएशन है और एडम जो है ईव को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, बट ईव जो है एडम को कहती है कि मैं अकेले काम करना चाहूंगी और मैं मुझे हमेशा जरूरत नहीं है आपके साथ की। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर हम लोग बोल सकते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट दिखाया गया है जहाँ पर ईव जो है अपने आप को एम्पावर करने के लिए ट्राई कर रही है। एंड उसी मोमेंट पर क्या होता है, जब ईव अकेले काम कर रही होती है तभी सैटर्न जो है उनको ल्योर कर लेता है फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने के लिए। तो दूसरी चीज यहाँ पर ये दिखाई गई है। और तीसरा यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ईव ने तो अनोइंगली फ्रूट ऑफ नॉलेज को खाया, उनको पता नहीं था कि इसको खाने से क्या होगा, बट एडम ने जो है सब कुछ जानते हुए इसीलिए फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया क्योंकि ईव ने उसको खाया था। इसीलिए यहाँ पर एडम को जो है वो ज्यादा माना जाता है कि उन्होंने ज्यादा बड़ा क्राइम किया था बिकॉज ईव ने इनोसेंसी में क्राइम किया बट एडम ने जो है जानते हुए क्राइम किया। तो ये यहाँ पर एक चीज कंसिडर करने वाली हो जाती है कि एडम और ईव में से ज्यादा बड़ा क्राइम किसने किया था, एडम ने किया था बिकॉज उन्होंने जानते हुए क्राइम किया था। और यही एक रीजन है कि एडम और ईव ने जब फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लेते हैं तो उनकी इनोसेंसी जो है वो वहाँ पर खत्म हो जाती है और उनको नॉलेज आ जाता है। और नॉलेज आने के बाद में गॉड जो है उनको वहां से पैराडाइज लॉस्ट से बाहर निकाल देते हैं। और साथ में ये कहा जाता है कि जैसे कि आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी कि हम सभी जो है एडम और ईव के बच्चे हैं, तो ऑफ कोर्स हम इस अकॉर्डिंग टू दिस वर्क हम लोग एडम और ईव के बच्चे हैं। और जब एडम और ईव को पैराडाइज से बाहर निकाला गया था तो उनसे को कहा गया था कि आपको इस बात से मुक्ति दिलाने के लिए, इस ये जो सिन आप लोगों ने किया है इससे मुक्ति दिलाने के लिए एक पर्सन जन्म लेगा जिसको जो आप लोगों को मुक्ति दिलाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं बिकॉज हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि वो पर्सन जो थे वो कौन थे, जीसस क्राइस्ट थे। और जीसस क्राइस्ट हम लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए आए पर हम लोगों ने उन्हीं को सूली पर चढ़ा दिया। तो ये एक स्टोरी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस वर्क कही जाती है। तो ये हमारा पैराडाइज लॉस्ट का एनालिसिस, ठीक है। तो एज अ कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट जो है एक एपिक वर्क है एंड सचिन को हम लोग यहाँ पर इसका हीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट वर्क हो गया, पैराडाइज लॉस्ट का एनालिसिस हो गया। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आई विल कैच यू टुमारो विद द अदर वीडियो लेक्चर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।